अब नौगांव से सुअरों को बाहर निकाला जाएगा और इस शहर की स्वच्छता पर लगा ये काला दाग मिटाया जाएगा। पेप्टिक टाइम और लगातार मीडिया के द्वारा नौगांव शहर में बढ़ते सुअरों की समस्या को बार बार दिखाया गया, जिसके बाद अब नगर पालिका ने इस मामले में सजगता से काम करने की बात कही है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने आज नगर पालिका में बैठक बुलाई और साफ निर्देश दिया है कि वे अपने जानवरों को व्यवस्थित करें, अन्यथा उन्हें शहर के बाहर खदेड़ा जाएगा। सुनिए नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष अनूप तिवारी ने क्या कहा। गवर्नमेंट से एक ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि सुअरों को बीमारी हो रही है और सुअरों को आवारा सुअर बहुत परेशान कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ घरों में घुस रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे सीएम मैडम से एक आदेश निकला है। एक खजुराहो में और छतरपुर में सुअर पकड़ने की टीम आई है इंदौर से, तो उन्होंने इसके तहत एक टाई अप हमसे किया है जिसमें हम उन्हें वर्क ऑर्डर देने जा रहे थे। इसके पहले हमने ऑर्डर निकाला जिसमें कलेक्टर से लेके और जिला कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक, अनुवादाधिकारी, राजस्व अनुवादी अधिकारी, पुलिस नौगांव, अध्यक्ष नगर पालिका नौगांव और थाना प्रभारी नौगांव को सूचना दी गई। इनके तारतम्य और नगर पालिका के तारतम्य में दोनों की बैठक हुई। इसमें ये हुआ कि सुअर पालक हमारे, सफाई कर्मचारी वो हमारे, तो हमने कहा कि इनको एक अल्टीमेटम और दो। हमने चार नोटिस दे चुके थे तो हमने कहा आज नहीं, एक अल्टीमेटम और दो कि आप सुअर अपने हाथ से पकड़ रहे हो, क्योंकि वो पैसे किसी बिकते हैं, अगर आप पकड़ रहे हो तो फिर हमें आप समय दे दो कि हम इतने दिन में पकड़ लेंगे। सब बात होने के बाद टीआई साहब ने भी बोला कि देखिए फिर हमें आगे आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसमें निर्णय ये निकला कि उन्होंने स्वेच्छा से बोला, रजिस्टर पे लिखा पड़ी हुई, दस्तखत हुए, सभी पार्षद लोग बैठे, सीएम वगैरह सब लोग बैठे, उनने बोला हम 3 तारीख को सुअर पकड़ लेंगे अपने अपने। तो हमने कहा हम आपको 3 की जगह 5 तारीख तक का समय देते हैं। इस संबंध में बैठक हुई और संभवतः सुअर मुक्त करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, जिस पे आज कठोरता से कार्रवाई की गई है। हमें लगता है 5 तारीख को अपने सुअर पकड़ लेंगे।